वेलकम टू द अनबीटेबल उपेंद्र गाइस, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उन पर्संस के लिए जो अपना नया चैनल यूट्यूब पर बनाना चाहते हैं, और इवन उन पर जीमेल आईडी भी वो नया बनाना चाहते हैं। तो उनको जीमेल से लेकर यूट्यूब तक नया अकाउंट, उसके बाद उनको यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करना है, किस प्रकार अपलोड करना है, ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाके जीमेल सिग्नअप लिखना है। गूगल क्रोम ओपन करिएगा, गूगल सिग्नअप, जैसे जी मेल सिग्नअप, तो एक क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिटेल भरनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूजर नेम खुद भी बना सकते हैं और वो सजेस्ट करेगा, और पासवर्ड, और जो कि कंफर्म भी करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, इतना अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और लाइक और कमेंट तो आपको करना ही है, और वीडियो को लास्ट तक देखें। थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन वीडियो नॉलेजेबल है गाइस। तो गाइस, जैसे ही आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपने नेम डाला, अपना सरनेम डाला, यूजर नेम बनाया, पासवर्ड डाला, ठीक है, ये चीज़ें आपको फिल करनी है, ये प्रॉपरली फिल करनी है। डिटेल्स का आपको बाद में याद रहें, इस प्रकार फिल करें आपको। इसको करने के बाद आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा गाइस, ठीक है। तो आपको जैसे ही इस वीडियो में नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, राइट, ये सारी डिटेल जिस प्रकार आपने भर ली है, तो नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट करते ही, मोबाइल नंबर डालने का। मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो आप याद रखें, आप बंद नहीं करना जो मोबाइल नंबर आपको इन फ्यूचर, क्योंकि ये मोबाइल नंबर प्रॉपरली आपका बाद में भी यूज होगा। तो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, जो कि जीमेल के द्वारा वेरीफाइड किया जाता है आपका OTP, कि इन फ्यूचर अगर आप भूल जाते हैं पासवर्ड, तो उस नंबर के द्वारा ही आप आईडी को रिकवर कर सकते हैं। जैसे ही आपका मेल आईडी बन जाता है, तो आपको अपने मोबाइल के जीमेल ऐप में जाना है। सबसे पहले वहाँ ऐड ईमेल का ऑप्शन आएगा, ऐड ईमेल करिएगा। ऐड ईमेल में आपको गाइस अपना जो अभी आपने गूगल क्रोम में मेल आईडी बनाई है उसको ऐड करना है, राइट। तो जो भी मेल आईडी बनाई, पासवर्ड आपने उसका रिटर्न कर ही लिया होगा, राइट। तो उसको जैसे गूगल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि जीमेल पर आपने अपना मेल आईडी बनाया है, तो जीमेल का गूगल सेलेक्ट करने के बाद आपको वो मेल आईडी एंटर करना है, राइट। आफ्टर इट आपको उस मेल आईडी का पासवर्ड एंटर करना है, राइट गाइस। और पासवर्ड एंटर करते ही आपके जो गूगल में जीमेल ऐप होता है आपके मोबाइल में, गूगल का जीमेल ऐप, तो वहाँ पर आपका मेल आईडी ओपन हो जाएगा। ये तो जब तक ओपन हो रहा है, आज इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो शायद आपको कोई और ना बताता हो, वो एक स्पेशल चीज़ है। वीडियो को लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि आप कभी भी अपना चैनल बनाते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप YouTube पर सर्च करते हैं तो आपका चैनल शो नहीं होता है, राइट। जैसे आप मेरा का चैनल आज अनबीटेबल उपेंद्र अपने यूट्यूब से सर्च करें, तो सबसे पहले आपको मेरा चैनल सर्च में आ जाएगा, सबसे ऊपर सर्च में होगा। तो आप अपने चैनल को ऐसा कैसे कर सकते हैं कि सबसे ऊपर सर्च में आपका चैनल आए, तो इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ आपका ये मेल आईडी ओपन होते ही आपका ये जीमेल ओपन हो गया है, ऐप की प्रोसेस चल रही है। आपको जो भी एक्सेस देने हैं वो एक्सेस देने पड़ेंगे यहाँ ऐप में आपका, ये नॉर्मली प्रोसेस होता है, हर मोबाइल में होता है, जैसे कि आपका प्ले स्टोर भी चलता है, और बाकी अन्य जिन जिन चीज़ों में मेल आईडी की ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें चलती हैं, राइट गाइस। तो ये देखिए मेल ओपन हो गया है आपका, यहाँ पर देखिए नॉर्मल मेल्स जैसे आते हैं वो मैंने हाइड कर रखे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब में जाना है, जस्ट यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब में लेफ्ट हैंड साइड पर चैनल ऑप्शन आता है, चैनल में जाके अपने चैनल को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। अब उसके बाद क्या है, जैसे ये देखिए चैनल में मैं गया, चैनल एडिट का, अब जैसे ये देखिए नया आ रहा है, नो सब्सक्राइबर, मैंने अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाली, आपको आएगा न्यू एज ए रजिस्टर्ड चैनल। तो आपको जाना है, नेम एडिट करना है, जो भी आप अपने चैनल का नाम बनाना चाहते हैं गाइस वो नाम बनाइए, लेकिन नाम के रिगार्डिंग बोलूँगा कुछ ऐसा बनाइए कि लोग अगर सर्च करते हैं उसको तो वन टाइम सर्चेबल होना चाहिए, या नॉर्मल सबसे यूनिक होना चाहिए कि बंदा आपको एक बार में सर्च कर सके। ये देखिए चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन सबसे मेन होता है, कि कोई बंदा अगर नया बंदा आपके चैनल पर आता है तो अबाउट में जाके वो आपके बारे में पढ़ेगा, तो एक डिस्क्रिप्शन काफ़ी यूनिक होना चाहिए,
किसी भी बंदे को अट्रैक्ट करे आपका डिस्क्रिप्शन आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, राइट। और मैं सजेस्ट करूँगा कि कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, इसको तो हमेशा प्राइवेट ही रखिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तो आपने किसे सब्सक्राइब कर रखा है, आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई अन्य पर्सन इस चीज़ को देखे। तो ये मेरा पर्सनली सजेशन है कि इसको प्राइवेट रखिएगा। अब देखिए, अपलोड करना है वीडियो तो आपको ये वीडियो सिलेक्ट करने में जाना है, वीडियो जो वीडियो का ऑप्शन होता है। अब कोई भी एक वीडियो जस्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको अपलोड करने के दिखाने के लिए, जैसे कि मैंने ये वीडियो गार्ड्स का वीडियो सिलेक्ट कर लिया है, राइट। ये नॉर्मल वीडियो है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16 सेकेंड्स का वीडियो है जो मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए। तो मैं इस वीडियो को आज अपलोड करके दिखाऊंगा आपको कि ये वीडियो कैसे अपलोड होता है, राइट गाइस। ये आपको सबसे पहले जाके वीडियो का टाइटल डालना है, टाइटल राइट। क्या जैसे मैं डाल सकता हूँ हरिद्वार घाट्स या मथुरा घाट्स, जैसे जहाँ जहाँ घाट होते हैं, पॉपुलर बनारस में भी घाट होते हैं, तो जो घाट होते हैं। अब आपको उसके बाद मैं इसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी डालूंगा कि डिस्क्रिप्शन कुछ यूनिक सा हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि डिस्क्रिप्शन यूनिक हो। डिस्क्रिप्शन में हैशटैग करके ज़्यादा नहीं, लेकिन एक दो टैग जरूर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में हमेशा। डिस्क्रिप्शन के टैग्स हमेशा मैटर करते हैं। और आपका टाइटल में जो आपने लेंथ डाली है, मतलब जो टाइटल लेंथ है, वह डिस्क्रिप्शन में भी एक बार कॉपी कर लीजिएगा। और आगे का प्रोसेस तो मैं बताऊंगा ही, आपको टैग्स में भी डालनी पड़ेगी वो, मतलब एक ही चीज़ तीन जगह होनी चाहिए, लाइक घाट्स इन मथुरा। तो ये लगभग मैं तीनों जगह ये कॉपी करके डालूंगा, तभी मेरी वीडियो सर्चेबल होगी। अब आपको बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि टाइटल ऐसा मिले जो ईजिली सर्चेबल है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, सर्च कर देना है। लाइक मैं घाट्स में डालूंगा घाट्स इन हरिद्वार, अब उस पर मैं क्लिक कर दूंगा घाट्स इन हरिद्वार या घाट्स इन उत्तराखंड, राइट। उस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि इस प्रकार की कितनी वीडियो किस प्रकार टाइटल से लगाई गई हैं। असेंडिंग ऑर्डर में देखूंगा कौन सी वीडियो ज़्यादा रैंक कर रही है, लाइक उत्तराखंड में घाट्स इन उत्तराखंड के हिसाब से रैंक करके देखूंगा, तो मैं देखूंगा कौन सी वीडियो ज़्यादा रैंक कर रही है। जैसे ये देखिए ऋषिकेश दर्शन, हरिद्वार, ये आपका हर की पौड़ी घाट, नंद प्रयाग, तो मैं ये अपने जो है ये चीज़ें मैं अपने टैग्स में ले सकता हूँ। कुछ इनमें से टाइटल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जो भी बेटर टाइटल मेरे लिए लगेगा वो मैं टाइटल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इसमें से। ये देखिए इस प्रकार में आप देख सकते हैं कितनी वीडियोस आ रही हैं, रैंक के हिसाब से आते हैं गाइस। जो वीडियो ज़्यादा रैंक कर रही है वो वीडियो आ रही है, तो आपको भी यही करना है, यहाँ से सर्च कर लेना है। या फिर एक और दूसरा तरीका होता है, गूगल पर जाना है आपको, गूगल पर लिख देना है। जैसे मैं हरिद्वार के घाट्स के बारे में वीडियो डाल रहा हूँ, मैं डालूंगा घाट्स इन हरिद्वार, तो ऑलरेडी आपने देखा हो गूगल मोर करके कुछ चीज़ें सजेस्ट करता है आपको, तो आपको क्या करना है वहाँ जाना है। और अगर वो नहीं कर सकते तो सबसे बेटर तो यही है, यूट्यूब में सर्च करिएगा, रैंक देखिए कौन सी रैंकिंग आ रही है, किस घाट के हिसाब से आ रही है, गंगा घाट आ रहा है, हरिद्वार घाट आ रहा है, इस हिसाब से आपको करना है। तो एक बार देखिएगा इस किस प्रकार से ये हो रहा है। तो देखिए वापस से उस पेज पर आ गए, अब हम डालेंगे घाट्स इन हरिद्वार, या फिर डाल सकते हैं घाट्स ऑफ हरिद्वार, जो कि पॉपुलर थे, हमने देखा था वीडियो में जो चीज़ें पॉपुलर थी। तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी लोग यही सर्च करते हैं इसका मतलब, तो आपकी वीडियो भी रैंक कर जाएगी उसके हिसाब से, राइट। और डिस्क्रिप्शन तो आपको डालना ही है, मैंने पहले ही बताया डिस्क्रिप्शन जितना यूनिक होगा उतना मैटर करेगा आपकी वीडियो के लिए, बिकॉज जो भी न्यू पर्सन आपकी वीडियो पे आने वाला है वो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ता है, क्योंकि आप ही अगर किसी की वीडियो पे जाते ना तो डिस्क्रिप्शन 100% आप पढ़ते हैं उसका, राइट। और वीडियो तो आपकी पब्लिक ही रहनी है प्राइवेसी में, क्योंकि हम तो यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर की वीडियो तो पब्लिक होती है। और जैसा कि मैंने बताया हैशटैग, तो एक हैशटैग भी डालना है आपको वीडियो में, एक दो या तीन, ज़्यादा नहीं डालने पड़ते, उससे वीडियो आपकी ब्लॉक हो सकती है। हैशटैग करके कुछ कम ही डालने हैं आपको टैग्स, नॉर्मल टैग्स डाले जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, नॉर्मल टैग्स कैसे डाले जाते हैं। देखिए वीडियो मैंने अपलोड पर डाल दिए, ये तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ तक तो बात थी वीडियो अपलोड करने की, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बाइटी स्टूडियो के वीडियो के एनालिटिक्स कैसे देखेंगे आप, एनालिसिस कैसे करेंगे कि मेरी वीडियो पे व्यूस आए, कितना वॉच टाइम है, कितने 7 घंटे में कितना है, हैं 7 डेज में कितना है, 60 आवर्स में कितना है, 48 आवर्स में कितना है, ये कैसे आपको पता लगेगा किस कंट्री से आपकी वीडियो दिख रही है। तो इसके लिए आपको बाइटी स्टूडियो की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है, राइट। और प्ले स्टोर में जाने के बाद
नॉर्मली कुछ नहीं करना आपको, जस्ट बाई टू स्टूडियो सर्च कर देना, बाई टी राइट। तो जैसे ही आप बाई टी स्टूडियो सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले ये रैंक कर जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है राइट। तो जैसे कि बाई टी स्टूडियो मैंने सर्च किया यहाँ पे, बाई टी स्टूडियो ये आ गया, देखिए बाई टी स्टूडियो, इस पर क्लिक करिए। मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं तो ओपन करूँगा, आपको इसे इंस्टॉल करना होगा राइट। लाइक अब माई चैनल है, ठीक है, तो मैं अपना चैनल जो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे मैं वीडियो अपलोड्स करता हूँ आपके लिए, एन बी टी वल्लू पेन, फिलहाल जिस चैनल से मैं अपलोड करता हूँ वही चैनल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये वीडियो डाल रखी है, हाउ टू यूज इंटरनेट इन फ्लाइट मोड, तो अब आपको एनालिटिक्स देखने हैं मेरे इस वीडियो के। मैं एनालिटिक्स देखता हूँ, कितने व्यूज़ आए हैं, वॉच टाइम कितना है, कितने दिन में कितना वॉच टाइम रहा है, ये सभी चीज़ें मैं अभी के अभी इस वीडियो में देखने वाला हूँ। तो लेट्स सपोज मैं अपने वॉच टाइम को देखता हूँ, तो देखिए 28 डेज में इतना, मैं देखता हूँ 7 डेज में कितना है, तो 143 मिनट्स है, मतलब ये वीडियो मेरी कम रैंक कर रही है, लेकिन 136 का इसमें रैंक इंक्रीजमेंट है, मतलब लास्ट 7 डेज की अगर लास्ट 28 डेज के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये वीडियो मेरी ज़्यादा रैंक कर रही है। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि लास्ट में ज़्यादा रैंक कर रही थी, अब कर रही है रैंक, तो ये सभी कौन सी कंट्री से देखी गई ये देख पा रहे हैं आप राइट। हर चीज़ देख पाएंगे आपको करना है वीडियो एडिट में जाना। अब आपको मैं बताने वाला हूँ टैग्स कहाँ से डाले जाते हैं। नीचे देखिए आप देख रहे होंगे आपको ये टैग्स का ऑप्शन, टेक्निकल फंडा, ये टैग, आप टैग कैसे डाल सकते हैं, ये चीज़ें हैं इसमें। जैसे मैं डालता हूँ अनबीटेबल उपेंद्र, इस वीडियो में ही डाल देता हूँ मैं राइट। तो जैसे ही मैं वीडियो में ये टैग डालूँगा, तो वीडियो में टैग डालने के बाद अब जब कोई नेक्स्ट टाइम अनबीटेबल उपेंद्र सर्च करेगा तो उसको ये मेरा चैनल तो शो होगा ही, साथ में ये वाली वीडियो भी रैंक करेगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आप अपने यूट्यूब में अनबीटेबल उपेंद्र सर्च कर देख सकते हैं, मेरी ये वीडियो भी आएगी। ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ें थी जो नॉर्मली आपको एक एज ए यूट्यूबर की ज़रूरत होती हैं। अब मैंने आपको वीडियो में वादा किया था कि कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, कैसे आपका चैनल रैंक करे राइट। तो टैक्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है, वहाँ डेस्कटॉप मोड पे अपना यूट्यूब खोल लेना है। गूगल क्रोम में जाके क्या करना है, डेस्कटॉप मोड पे अपना यूट्यूब खोलना है आपको राइट। जैसे ही आप डेस्कटॉप मोड पे अपना यूट्यूब खोल लेते हैं गूगल क्रोम में जाने के बाद, ठीक है, डेस्कटॉप साइट बोल सकते हैं डेस्कटॉप मोड, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जो अपर कॉर्नर पर आपका जो चैनल का लोगो दिखता है उस पर क्लिक करके बाई टू स्टूडियो, बाई टी स्टूडियो पर क्लिक करना है। देखिए ये बाई टी स्टूडियो पर मैंने क्लिक किया राइट। जैसे मैं बाई टी स्टूडियो पर क्लिक कर देता हूँ राइट, तो ये बाई टी स्टूडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बाई टी स्टूडियो ओपन होते ही गाइस लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल नीचे के कॉर्नर में आएगा ऑप्शन सेटिंग्स का, सेटिंग का चिन्ह बना होगा, वहाँ पे जाके आपको ऐसे ओपन हो जाएंगे परमिशन चैनल्स, ये सभी चीज़ें आपकी ओपन हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, चैनल में जाना है, चैनल में आते सबसे पहले आपका आएगा चैनल कीवर्ड्स। तो देखिए कभी भी ये चीज़ें मैटर करती हैं, आप लोग अपने चैनल कीवर्ड्स नहीं डालते हैं। जैसे मैंने डाल रखा है अनबीटेबल उपेंद्र, या जो मैं वीडियोज़ डालता हूँ उनके मैंने टाइटल्स डाल रखे हैं, या नेक्स्ट टाइम बंदा जैसे टेक्निकल फंडा है, ये सब चीज़ें मैंने डाल रखी हैं कि अगर कोई बंदा ये सर्च करे तो मेरे चैनल कीवर्ड्स में मेरा चैनल भी उस बंदे को शो हो। तो आप जब भी जाएं वाई टी स्टूडियो में जाके सेटिंग्स में जाके आपको ये चैनल में जाना है राइट। चैनल में जाके चैनल कीवर्ड्स जरूर डाल दीजिएगा, आपका चैनल बहुत जल्द रैंक करने लगेगा। बाकी तो ये फीचर्स हैं, आपका ब्रांडिंग है, एडिशनल सेटिंग है, ये तो आप वक्त के साथ सीखेंगे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और आपको लाइक तो करना ही है मेरा वीडियो। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।